दोस्तों आप सभी का मोस्ट वेलकम है फिर से एक नए वीडियो पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे वो एलयू जयपुर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे एलएलबी फाइनल ईयर के। बाकी मैंने बता रखा है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले हैं वो जो मैंने ओल्ड पेपर डाल रखे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट उनको देख लेना, उनमें से है वो आ जाएंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पे पेपर है वो 6 होगा जो कि होगा भूमि विधि का, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं लैंड लॉ। तो इन्हीं में से मैंने 10-12 क्वेश्चन आपके निकाले हैं। वैसे यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन निकालता हूँ लेकिन मेरे को लगता है कि हाँ कुछ अलग है तो वो मैंने अलग से इसमें मेंशन किया है। तो इनको आप एग्ज़ाम से पहले मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप इनको सबसे पहले पढ़ो और याद करो। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनको एग्ज़ाम में करके आइए। मेरे को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर जो आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हमें क्वेश्चन बताए थे उनमें से आए थे तो चलिए थर्ड ईयर के हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं। बाकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले के जो क्वेश्चन है वो पूरे नहीं आए थे तो इस बार है वो कवर हो जाएंगे। 10 मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे जिनमें से 3 आपको करने थे तो बाकी 7 क्वेश्चन आपके बच चुके हैं तो उनमें से इस बार है वो रिकवर हो जाएगा। तो ये बात मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, बाकी बता भी रहा हूँ आपको। चलिए टाइम ख़राब नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6 नंबर का आपका पेपर होगा थर्ड ईयर का भूमि विधि का। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के अंतर्गत किराएदार द्वारा बेदखली के आधार का उल्लेख कीजिए। तो बेदखली के आधार हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। अब दोस्तों साथ में एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे आपके 2001 का अधिनियम पूछा जा सकता है, कन्फर्म नहीं है। 2017 का जो अधिनियम है वो यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है वो पूछा जाएगा। तो सेम से ही इसके बेदखली के आधार हैं, कोई किंतु परंतु कुछ चेंज इतना है नहीं, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। 2017 का जो एक्ट है उसको और 2001 को ये आपको देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेकेंड आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2017 की प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। अगर यहाँ पे 2001 में जो कुछ विशेषता है वही 2017 में, लेकिन कुछ अमेंडमेंट हुआ है वो 2017 में, तो आप एक काम करना 2001 को यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। 2017 का आपको देखना, उसमें जो विशेषताएँ वो आपको याद करनी है। थर्ड नंबर का आपका क्वेश्चन है वो है कि राजस्व बोर्ड की गठन क्षेत्राधिकार उसकी शक्तियाँ, राजस्व बोर्ड के गठन क्षेत्राधिकार उसकी शक्तियाँ आपको बतानी है। फोर्थ नंबर का आपका क्वेश्चन है वो है कि बकाया भू राजस्व की वसूली की विभिन्न रीतियों का वर्णन कीजिए। बकाया भू राजस्व की वसूली के विभिन्न जो रीतियाँ हैं उनका वर्णन कीजिए। फाइव नंबर का आपका क्वेश्चन है शॉर्ट नोट के रूप में, पहला है कि नामांतरण क्या होता है और नामांतरण की प्रक्रिया क्या है। नामांतरण क्या है उसकी प्रक्रिया, बेदखली किसे कहते हैं, बेदखल करना क्या होता है, भूस्वामी कौन होता है, भूस्वामी द्वारा परिसर का निरीक्षण कैसे किया जाता है वो बताना है, सीमित कालावधि की किरायेदारी ये क्या है। दोस्तों सारे छोटे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो सीरीज है चाहे बाबिल की हो चाहे कोई भी, उसके लास्ट में दिए हुए होते हैं 25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं छोटे, उनको देखना आप, उनमें से आपको मिल जाएंगे और इजीली वहाँ पे दिया हुआ भी आप समझ पाओगे। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में वर्णित कृषि भूमि के गैर कृषि कार्यों के लिए प्रयोग संबंधी प्रावधानों को बताइए। यहाँ पे दोस्तों भू राजस्व अधिनियम 1956 की बात की जा रही है, तो ध्यान रखना ऊपर यहाँ पे 2017 का जो राजस्थान कंट्रोल जो राजस्थान किराया नियंत्रण एक्ट है उसकी बात की जा रही है, तो इसको थोड़ा देखना, कन्फ्यूज मत होना। 7th नंबर का आपका क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत विभिन्न काश्तकारों के कौन कौन से वर्ग हैं और उनके प्राथमिक अधिकार क्या हैं, जो काश्तकार हैं उनके प्राथमिक अधिकार क्या हैं और उनके कौन कौन से वर्ग हैं वो आपको बताने हैं। सेकेंड आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपील निरीक्षण निर्देशन पुनर्लोकन को संबंधित प्रावधानों को समझाइए। चारों आपको बताने हैं, अपील क्या है, पुनरीक्षण क्या है, निर्देशन क्या है और पुनर्विलोकन क्या है, ये आपको बताना है। 9th नंबर का आपका छोटा
क्वेश्चन है, परिभाषित कीजिए सुधार की परिभाषा दीजिए, वार्षिक रजिस्टर क्या है, शायर और नाल बट भूमि और सुख सुविधा, ये आपको बतानी है। अगला है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, 2 मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 10 नंबर का, वह कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के उद्देश्य। दोस्तों एक नोट करने वाली बात है कि ये आपका एक्ट है, ये अभी नया जुड़ा है, जो से आपके बाकी यूनिवर्सिटी हैं उनमें नहीं था, तो ये अभी पूरा का पूरा सिलेबस आपका चेंज है। कब जैसे आपका प्रशासनिक विधि उसमें RTE को जोड़ा गया है, उसमें आप इसको जोड़ दिए, तो ये नया एक्ट है, ठीक है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको शायद इसको समझ सकते हैं शायद। तो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के उद्देश्य और उचित मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, इसकी शक्तियाँ का उल्लेख कीजिए। उसके बाद में जो आपका भू संपदा अधिनियम है उसका उद्देश्य है उसकी विशेषता, और भू संपदा अधिनियम 2016 में रजिस्ट्रीकरण से के संबंधित प्रावधान क्या है। तो इनमें 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको, 2013 वाले में तो 1 क्वेश्चन आपका आ जाएगा, शक्तियाँ बतानी और इसकी मुआवजा लेने की क्या प्रक्रिया है प्राप्त करने की, और भू संपदा वाला है उसमें उसके उद्देश्य विशेषता बतानी है और इसी के अंदर रजिस्ट्रीकरण को आपको याद करना है। बस ये क्वेश्चन है जो मेरे अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप पढ़ के जाना एग्ज़ाम में, आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी जो आप अपनी पढ़ाई बुक से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, उनसे करते रहिए, कोई इशू नहीं है। और इसकी जो PDF या इसका जो फोटोकॉपी है वो आपको एग्ज़ाम टाइम में या फिर पहले मैं दे दूँगा, तो आप देख लेना। बाकी YouTube पे जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ कैसे क्या है और आपको समझ में आ सके, और बाकी है वो आप देख लेना। कोई इश्यू आता तो कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।